अच्छा आप मुझे बताओ बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? मैं बड़ी होके एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। आपने अग्निवीर योजना का नाम सुना है? समझाओ मुझे ये अग्निवीर क्या है। फंस गए मैं समझाता हूँ तुम्हें। अब अग्निवीर योजना मोदी जी लाए हैं। अगर अग्निवीर को चाइना बॉर्डर पे गोली लग जाती है और अगर वो शहीद हो जाता है तो अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अच्छा आप मुझे बताओ बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? मैं बड़ी होके एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर। और आप क्या करना चाहते हो? आर्मी बनना चाहते हो? आर्मी में जाना चाहते हो? जाना चाहता हूँ। आपने अग्निवीर योजना का नाम सुना है? हाँ। सुना है? हाँ। समझाओ मुझे ये अग्निवीर क्या है। फंस गए मैं समझाता हूँ तुम्हें। घबराना नहीं है, यहाँ पे ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये तुम्हारा परिवार है। ये तो मैं तुम्हें अग्निवीर समझाता हूं। इधर देखो, पहले क्या होता था, पहले तुम्हारे जैसे बच्चे कहते थे मैं आर्मी में जाना चाहता हूं और आर्मी उनका सिलेक्शन करती थी और फिर उनकी रक्षा करती थी, उनकी देखभाल करती थी पूरी जिंदगी के लिए। आर्मी उन लोगों की रक्षा करती थी, सही। अब अग्निवीर योजना मोदी जी लाए हैं, बीजेपी लाई है, उसमें उन्होंने कहा कि हम 4 साल के लिए युवाओं को सेना में लेंगे, 4 साल के बाद 3 में से 4 बच्चों को, युवाओं को हम वापस घर भेज देंगे, उनकी कोई रक्षा होगी, उनकी कोई देखभाल नहीं होगी, जो एक 4 में से 1 सेना में रहेगा उसकी हम देखभाल करेंगे। अब मजे की बात समझो, अगर अग्निवीर को चाइना बॉर्डर पे गोली लग जाती है और अगर वो शहीद हो जाता है तो अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। समझे बेटा? समझे? तो क्या हुआ है, तुम्हारे जैसे जो बच्चे ट्रेनिंग करते थे, 1,50,000 बच्चों ने ट्रेनिंग की, ठीक है, 5 साल उन्होंने, जैसे तुम रनिंग करोगे, तुम वेट लिफ्टिंग करोगे, उन्होंने किया 5 साल। अरे जोर से बोल यार। सर मैं 100 मीटर की रेस को 1 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। अच्छा और सुनो, और कितनी रनिंग करते हो दिन में? सर अभी पापा बाहर गए इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो सुनो, तो तुम्हारे जैसे बच्चे रनिंग करते थे, 5 साल उन्होंने 1,50,000 ने रनिंग की, उनकी आर्मी में भर्ती हो गई और फिर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में आर्मी ने उन्हें कहा कि हम तुम्हें नहीं लेंगे। 1,50,000 युवा देश में भटक रहे हैं, उनकी भर्ती हो गई थी, कहा गया है कि तुम्हें हम नहीं लेंगे, ना तुम्हें हम आर्मी में लेंगे, ना तुम्हें हम अग्निवीर योजना में लेंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तुम्हारे अंदर ये जो भावना थी, देशभक्ति की भावना थी, उसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हिंदुस्तान की सेना ने, हिंदुस्तान की सरकार ने 1,50,000 युवाओं को मैसेज दिया है। और मैंने उनसे क्या कहा, मेरे से मिले, मेरे सामने रोए, मैंने उनसे कहा तुम घबराओ मत, 1,50,000 युवा तुम जिनको आर्मी ने बाहर फेंका है, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारा मुद्दा उठाएंगे और या इलेक्शन दिलवाएंगे या फिर तुम्हें आर्मी में भर्ती करवा के दिखाएंगे। अब ये है अन्याय। भाइयों और बहनों, अच्छा तुमसे पूछते हैं, अगर किसी ने 5 साल किसी चीज के लिए काम किया, दिल से काम किया, अपना खून पसीना दिया, सेना में जाने के लिए उसने 5 साल काम किया और फिर अगर उसको सेना में नहीं जाने दिया, ये अन्याय है? अन्याय किया गया ना उसके साथ, उसके खिलाफ अन्याय है? तो इस प्रकार का अन्याय के खिलाफ ये यात्रा
चल रही है।